बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स के नाम बदलने की प्रथा बरसों से चली आ रही है, जहां एक्टर्स के साथ साथ एक्ट्रेसेस ने भी अपने नाम बदले हैं, जिसके बाद उनमें से कई लोग इंडस्ट्री का सितारा बन गए हैं। ऐसे में आज हम आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनके नाम सुनकर आपको भले लगता हो कि वे हिंदू हैं, लेकिन असल में वे मुस्लिम परिवार से आते हैं। इस फहरिस्त में आलिया भट्ट, तब्बू से लेकर रीना रॉय तक का नाम शामिल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आलिया भट्ट। आलिया इस समय बॉलीवुड सेंसेशन बन चुकी हैं। उनकी एक्टिंग का जादू हर किसी पर चलता है, लेकिन ये आप शायद ही जानते होंगे कि आलिया भी मुस्लिम परिवार से आती हैं। उनकी दादी का नाम शिरीन मोहम्मद अली था। तब्बू बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। वो आज भी अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना कायल बना देती हैं। बता दें कि तब्बू भी असल में मुस्लिम परिवार से हैं। उनका नाम तब्बसुम फातिमा हाशमी है, जिन्हें लोग तब्बू के नाम से जानते हैं। रीना रॉय। बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ लव लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही, लेकिन आपको बता दें कि रीना मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका असल नाम रीना नहीं बल्कि सायरा अली है। मान्यता दत्त। संजय दत्त की बीवी मान्यता दत्त को कौन नहीं जानता। फिल्म गंगाजल में आइटम नंबर से मशहूर हुई एक्ट्रेस के नाम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो मुस्लिम है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदल लिया। एक्ट्रेस का असल नाम दिलनवाज शेख है। मधुबाला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 50-60 दशक में मधुबाला का दबदबा हुआ करता था। उन्होंने अपनी अदाओं का जादू लोगों पर चलाया था। एक्ट्रेस के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे मुस्लिम परिवार से आती हैं। उनका असली नाम मुमताज बेगम था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।